उनसे पूछो एक ना, बात बताइए आनंद, ये झारखंड में जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई से लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? हर लोग आरोप लगा रहे हैं कि कैसी कार्रवाई है, और ये पोस्टर सुन रहे हैं, पोस्टर भी हटा दिया गया, लगा था फिर हटा दिया गया, क्या सच्चाई जरा बताइए। जैसे ही उस राज्य के महामहिम माननीय रमेश बैस जी ने पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग ये प्रयास करते रहे, प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता ये चाहती थी कि लोगों के साथ न्याय हो, उपद्रवियों दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ये सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। जब माननीय गवर्नर ने, माननीय महामहिम जी ने राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाकर, वहां के DGP को बुलाकर, वहां के लॉ एंड ऑर्डर के मामले को बुलाकर जब सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा भी दंगाई है, जितनी तस्वीरें चैनल पे अखबारों में आ रही है उसके पोस्टर चौक चौराहे पे लगवाए जाए। जैसे ही चौक चौराहे पे लगने शुरू हुए, वैसे ही शंकर जी मैं ये कहना चाहता हूँ, उसी समय ये तय हो गया कि माननीय हेमंत सोरेन की सरकार फेल हो गया। सारी स्थिति जो थी, अब आप देखिए कि गिरफ्तारी के डर से लोग भाग रहे। पहले ही ये सरकार वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से काम कर रही है, वैसे उस हमारे प्रदेश की जनता को यह समझ आ गया है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में UPA की सरकार जो कांग्रेस और राजद के गठबंधन से चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है और दूसरे अलावा कुछ नहीं कर रही है। आप ये बताइए शंकर जी, हम लोग लगातार इस मुद्दे पर इंडिया वॉइस के माध्यम से डिबेट कर रहे हैं, माननीय महामहिम जी ने 2-3 प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि अगर उपद्रवी आए थे चाहे जितने भी हथियारों के साथ थे, पुलिस ने क्या किया, क्या आंसू गैस छोड़ने का काम किया, जो बुलेट आता है वो रबर का बुलेट आता है वो छोड़ने का काम किया, पानी का जो आता है बोछार वो छोड़ने का काम, वाटर कैनन इसी तरह का किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। शंकर जी आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि झारखंड की स्थिति क्या है, और झारखंड में जिस तरीके से वहां की वर्तमान सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर इस सरकार को रहने का कोई भी मतलब ही नहीं बनता उस राज्य की जनता के लिए, ये कुछ भला का काम कर नहीं सकते।